आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही मशहूर मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने आज राजधानी लखनऊ में अपनी 13 सीरीज के दो नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। दोस्तों 13 प्लस 5G और 13 5G, ये दो वेरिएंट आज लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों हम जब भी कोई मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपना बजट चेक करते हैं, फिर उस बजट के हिसाब से हम फोन के फीचर्स चेक करते हैं, जैसे कि उसका प्रोसेसर कैसा है, उसकी बैटरी कैसी है, रैम और रोम कितने हैं, किस तरह से हम इसमें वीडियो क्वालिटी पा सकेंगे, कैसे गेमिंग खेल सकेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके बजट के अंदर ही रियलमी ने ये 13 सीरीज जारी की है। दोस्तों हम प्रोडक्ट मैनेजर बाजुल कोचर जी से बातचीत करेंगे, इस प्रोडक्ट की रियलमी 13 की पूरी जानकारी आपको बताएंगे और साथ ही ये इसका क्या ऑफर्स रहेगा, कब से इसकी सेल शुरू हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या क्या ऑफर्स है और क्या नए फीचर्स एड ऑन करके रियलमी ने ये नई सीरीज 13 प्लस और 13 5G मार्केट में उतारी है। आइए एक एक करके आपको सारे फीचर्स बताते हैं और देखते हैं कि आपके बजट के अंदर कितने शानदार नए फीचर्स लेकर के इस बार रियलमी आया है। आइए बातचीत करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बाजुल कोचर जी से। आज रियलमी ने 13 सीरीज के दो फोन लॉन्च किए हैं और जब भी कोई नया फोन लिया जाता है तो बैटरी को देखते हैं लोग, कैमरा परफॉर्मेंस देखते हैं और रैम रोम पे ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्या कुछ नया रियलमी लेके आया? तो जी बात करें तो इस फोन में तो स्पेशली जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसके अंदर एक 26GB तक की डायनेमिक रैम मिलती है, यानी जो 12GB का मॉडल है फोन का वो अलग से 14GB आपके स्टोरेज से लेगा और एक फोन को 26GB तक का रैम मॉडल बना देगा, यानी वो स्टोरेज को रैम में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी अब आपके पास एक ऐसा फोन है जिसके अंदर आप 32 एप्लीकेशन लगातार बैकग्राउंड में चला सकते हैं। साथ ही साथ ये इसमें गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Dimensity 7300 जो कि इस प्राइस पॉइंट पे 90 FPS यानी 90 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं, जो कि और कोई भी फोन नहीं कर पाता है। आप कोई भी बड़ी से बड़ी गेम चला लीजिए वो बहुत ही स्मूथ चलेगी और हमने स्पेसिफिकली कोलैबोरेट भी किया है इन गेम मेकर्स यानी इन गेम्स वालों से ताकि आपको स्मूथेस्ट और स्टेबल परफॉर्मेंस मिल सके। साथ ही साथ इसमें 5000mAh की बैटरी है, एक 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले, 120Hz की 80W का चार्जर है जो कि आपके फोन को आधे घंटे से कम समय में फुल चार्ज कर देता है। डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, फ्री कॉल ऑप्शन है, AI जो इमेज के जो फीचर्स हैं यानी जो अगर आप इमेज मैटिंग हो गया यानी AI फीचर्स हो गए वो भी मिलते हैं। साथ ही साथ 13 प्लस की बात करें तो उसमें सोनी का 50MP का कैमरा मिलता है, 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। और बात करें 13 के बारे में तो ये एक बजट फोन है 13 प्लस के कंपैरिजन में, यानी उससे थोड़ा सस्ता फोन है लेकिन सिमिलर डिजाइन के साथ आता है, एक अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें भी आपको आई वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस मिलता है, आर्मर ड्रॉप प्रोटेक्शन मिलता है, फुल HD प्लस की स्क्रीन मिलती है, 45W का चार्जर, दोनों ही फोन्स में जो फास्ट चार्जर्स हैं वो बॉक्स में ही मिलेंगे, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। बट कंपनी का मानना है कि अगर आप फोन के चार्जर और वायर से ही फोन को चार्ज करेंगे तो फोन की बैटरी लाइफ भी बढ़ती है बाहर से ना लेके। सर रियलमी को हम देख रहे हैं लगातार पिछले कई मॉडल्स में बैटरी का जो साइज है वो 5000mAh है जी, इसको क्यों नहीं बढ़ा? सर बैटरी का साइज बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बैटरी का साइज बढ़ते ही फोन का थिकनेस बढ़ जाता है, फोन का वेट बढ़ जाता है। अगर मैं आपको बात करूं कि हमने सेम फोन जो कि मार्केट में किसी और ब्रांड का अवेलेबल है 5000mAh का, उस पर एक टेस्ट किया था अभी जैसे प्रेजेंटेशन में भी दिखाया, तो हमने दोनों फोन को 100% चार्ज किया, पूरी गेमिंग करी, हमें 9 घंटे अपने फोन में मिले, 7 घंटे दूसरे फोन में। अब कहने को दोनों ही 5000mAh की बैटरी थी लेकिन 2 घंटे एक्स्ट्रा गेमिंग में मिले, यानी नॉर्मल डे में ये आधा दिन फालतू हो गया। तो सेम बैटरी पर भी एक सॉफ्टवेयर और एक अच्छे प्रोसेसर के साथ आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं सेम बैटरी में भी। तो बैटरी बढ़ाएंगे तो फोन का फॉर्म फैक्टर खराब हो जाता है, फोन बहुत भारी और बहुत मोटा हो जाता है। तो पीपल जो जीन्स पहनना पसंद करते हैं टाइट कुछ ऐसी जहाँ पे फोन अब बहुत टाइटली जाता है तो वहाँ पे और दिक्कत होती है, यानी एक बेसिकली इन हैंड फील खराब ना करे तो हमने फोन को 7.67 स्लिम भी रखा है, पतला है, हल्का है और बेटर आउटपुट भी दे रहा है, तो बैटरी बढ़ाने की, प्लस इसमें फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है, आधे घंटे में आपको फोन को फिर से फुल चार्ज कर पाएंगे। सर प्राइसिंग की और ऑफर्स की बात करें, प्राइसिंग की बात करें तो 13 प्लस 5G है वो 6 सितंबर से मिलना शुरू होगा जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 22,999 से, और 13 5G की बात करें उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 17,999 से। 6 सितंबर से दोनों फोन मिलने शुरू होंगे। 13 प्लस पे आपको 1500 तक का कैशबैक मिलेगा फर्स्ट सेल पे अगर आप फोन लेते हैं, 13 में आपको 1000 तक का कैशबैक मिलेगा, प्लस अगर आप इस फोन को प्री बुक कराते हैं तो आपको 3000 तक का ऑफर्स भी मिलेंगे साथ साथ। कलर इसमें बात करें 13 प्लस में 3 कलर आते हैं, ग्रीन कलर, गोल्ड कलर और पर्पल कलर। जो 13 है उसमें 2 कलर आते हैं, ग्रीन और पर्पल कलर, जैसे कि अब मैं दिखा सकता हूँ आपको,
तो ये जो बेसिकली जो मेरे पर्सनल फेवरेट कलर्स हैं वो ये दो कलर्स हैं, मुझे बहुत अलग लगते हैं, बहुत अलग मतलब बहुत ही डिफरेंट कलर है जनरली ब्लैक और व्हाइट से। ये ऑनलाइन में किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा? ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, और इसे ये ऑफलाइन में भी आप हर जगह पे ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से Realme ने 13 सीरीज 5G के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। हमने इसके सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं, कलर्स आपको बता दिए हैं, कीमतें आपको बता दिए हैं, ऑफर्स आपको बता दिए हैं। तो अगर कोई नया फोन आप लेने जा रहे हैं तो एक बार इससे भी टैली कर लीजिए, और अच्छा लगे तो Realme को जरूर परचेज करिए। और दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नेशनल वॉच शुरू से ही Realme फोनों का ही इस्तेमाल करता है, और ये वीडियो भी Realme ने ही बनाया। इसी के साथ Realme ने ईयरबड भी लॉन्च किए हैं, ये कीमतें आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। और लगातार इसी तरीके से महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखते रहिए, और लगातार बने रहिए नेशनल वॉच पर।